नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या लाइव पर और आप देख रहे हैं विद्या लाइव की करियर काउंसलिंग सीरीज, जिसमें आपको शिक्षा में सही विकल्प की जानकारी और करियर गाइडेंस दी जाती है। मैं हूं कुमार विजेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजाइन और डिजाइनिंग के बारे में, जिसमें बात होगी डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या होती है, डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स की लोकप्रिय शाखाएं कौन कौन सी हैं, डिजाइन और डिजाइनिंग डिग्री के बाद करियर विकल्प क्या है। दोस्तों, डिजाइन और डिजाइनिंग सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स कौन से हैं, डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स क्या होता है, आपको डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स क्यों करना चाहिए और डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स में प्रवेश लेने की प्रक्रिया क्या होती है के बारे में। साथ ही साथ हमने वादा किया था कि विद्या लाइव जल्द ही डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स के विस्तार पर वीडियो लाएगा, तो आप इस वीडियो में डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स का विस्तार पाने वाले हैं। दोस्तों, आपका प्यार और सुझाव विद्या लाइव को लगातार मिल रहा है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आप अपने विद्या लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए, क्योंकि विद्या लाइव शिक्षा और करियर से संबंधित सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में हम डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स में प्रवेश लेने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। आज अपने देश में कुछ शीर्ष डिजाइन कॉलेज राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रदान करते हैं, जैसे द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम, द अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन या UCEED और द कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन या CEED। दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि कुछ डिजाइन कॉलेज मेरिट के आधार पर भी प्रवेश देते हैं। दोस्तों, अब हम डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स की विभिन्न शाखाओं के बारे में जानते हैं। आज डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स की कई शाखाएं हैं, जैसे फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, एग्जीबिशन डिजाइन वगैरह। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिजाइन और डिजाइनिंग डिग्री के बाद करियर विकल्पों का। डिजाइन और डिजाइनिंग डिग्री धारकों के पास करियर के ढेरों अवसर हैं। आपने मनीष मल्होत्रा, रोहित बल, ऋतु कुमार जैसे मशहूर फैशन डिजाइनरों के बारे में तो सुना ही होगा। इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने काफी नाम कमाया है। यही नहीं, आप डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स के बाद इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर जैसे पदों पर कार्य कर सकते हैं। वहीं अगर आपने इंटीरियर डिजाइन में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली है तो रिसर्च, पोस्ट सेकेंडरी टीचिंग और एडवांस्ड बिजनेस रोल में काम कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप इंटीरियर डिजाइन प्रोफेसर, इंटीरियर डिजाइन रिसर्चर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे पदों पर काम कर सकते हैं। इनके लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों जगहों पर जॉब करने का ऑप्शन मौजूद होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बात की डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्सेज की। अगले वीडियो में विद्या लाइव आपसे बात करेगा डिजाइन और डिजाइनिंग कोर्स के शीर्ष संस्थानों की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। विद्या लाइव आपसे लाइक बटन को दबाने और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करता है। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ भी शेयर करें और साथ ही साथ विद्या लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप किसी डिजाइनिंग या किसी और सब्जेक्ट से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। शुक्रिया।